वालेकुम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल और SASTrade.com की वेबसाइट। दोस्तों, 40,700 का लेवल बहुत ही अहम है और इसको मेंटेन होना चाहिए। ये अच्छी चीज़ है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट में KC 100 में कुछ एक्टिविटी जो है वो वापस देखने में आई है और कुछ वॉल्यूम्स के साथ। इसकी बुनियादी वजह ये है कि कुछ हमें अब मजबूत खबरें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। पॉलिटिकल तो ये कि हमें एक डायरेक्शन का अब पता चल रहा है कि मुल्क इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, और इकोनॉमिक में ये कि IMF के हवाले से भी अगस्त के आखिर में तवक्को है कि $1.2 बिलियन के आसपास जो है फ्लो वो आ जाएगा। और इस हवाले से मिफ्ता साहब बात कर चुके हैं, और जो इस वक्त इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं, ब्लूमबर्ग है, सब ये सब चीज़ें कह रही हैं। इस बुनियाद पे एक मजबूत पहलू मैं देख सकता हूँ। पाकिस्तान का जो प्रोफाइल रहेगा वो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अब हुकूमत जो है वो भी बहुत अहम कुछ फैसले लेना चाह रही है। मसलन ये कि UAE की स्टेक सेल्स के हवाले से बाजगश्त चल रही है। हमारी जो बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन है वो ये है कि ये तकरीबन जो 7 कंपनियां हैं, जैसे OGDC, PPL या माई OGDC के थ्रू, या SNGPL या PSO या PIA, इन सब को मिला के तकरीबन $700 मिलियन पाकिस्तान इस स्टेक सेल से हासिल कर सकता है। इसके अलावा जो दो बड़ी अहम ट्रांजैक्शंस थी जो पिछली हुकूमत में हो जानी चाहिए थी और नहीं हो पाई, वो RLNG पावर प्लांट्स जो CPEC के अंदर थे उसकी प्राइवेटाइजेशन है। उस हवाले से ये था कि $2 बिलियन के अंदर ये ट्रांजैक्शन हो सकती है। अल्लाह का अगर ऐसा होता है तो ये एक अच्छी नवीद होगी हमारे ओवरऑल पर्सपेक्टिव में। अब पोर्टफोलियो के हवाले से मैं यही थीम, यही मंत्रा लेके चल रहा हूँ काफ़ी अरसे से, कि चूँकि इस वक्त आपको पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक इशू है। कल करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स फिस्कल ईयर 22 जो आउटगोइंग था उसमें आ चुके हैं। $17.4 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट रहा, जो सन 2018 के फिस्कल में $18 बिलियन से कुछ ऊपर था, तो ये अच्छा खासा ज़्यादा है। इस पे रुपी डॉलर पैरिटी का एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। ये अच्छी सिचुएशन उस तरह तो नहीं है। इसमें ज़िम्मेदारी एक्सपोर्टर्स की है कि ये अपने पैसे मंगवाएं, ताकि यहाँ पे जो इंपोर्ट की नीड्स हैं वो मुल्क के अंदर वो मैच हो सके। क्योंकि बहुत सारी इंपोर्ट की जो बंदिश की वजह से हम देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर हो या मोबाइल असम्बली, इनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और अब ये करेंसी शॉर्टेज हो रही है। तो अगर एक्सपोर्टर्स पैसे मंगवाएं तो बहुत अच्छी चीज़ होगी, उनको अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करनी चाहिए। पोर्टफोलियो के हवाले से मैं समझता हूं कि मैं ये कहूंगा कि IT सेक्टर कंपनीज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, उनमें कोई इश्यूज़ नहीं हैं। आगे चल के उनकी डिजिटलाइजेशन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्लाउड के अंदर कंप्यूटिंग हो, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत देखी जा रही हैं। इसके अलावा हम मारी गैस, मारी पेट्रोलियम को लेके बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि ये पाकिस्तान की साफ सुथरी अच्छी कंपनी जो है वो है, EPS के हवाले से, डिविडेंड के हवाले से, क्योंकि इनका जब से फॉर्मूला डिसमेंटल हुआ है 2 साल से 2.5 साल से, तो हम EPS पे एक इम्पैक्ट देख रहे हैं। और बन्नू वेस्ट की डिस्कवरी एक गेम चेंजर है। हमारे इन्वेस्टर्स की तरफ से एक सवाल बहुत पूछा जा रहा है वीलॉग के अंदर, वो हाई टेक लुब्रिकेंट के हवाले से है। ये एक बहुत छोटी OMC है, 2017-18 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद इसको 2 OMC लाइसेंस मिले। अब इसके OMCs में इजाफा हो रहा है, और मई से लेके जून तक जो इनकी पेट्रोलियम हैंडलिंग वॉल्यूम है वो बढ़ा है, यानी 3,000 टन से अब तकरीबन 5,000-6,000 टन वॉल्यूम हैंडलिंग। तो हम थोड़ा सा इसको ग्रोथ फेज़ में देखते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत छोटी OMC है,
हम इसको ग्रोथ फेज में देखते हैं, ये चीज़ हमें इनकी ईपीएस में रिफ्लेक्ट हो रही है, 9 months की ईपीएस और उसके बाद जो फुल ईयर FY22 आउटगोइंग की ईपीएस होगी उसमें काफ़ी एक अच्छा आपको एक अपटेक मिल सकता है, क्योंकि वॉल्यूम हैंडलिंग तो है, पेट्रोलियम तो यहाँ आपको पता है कि हम नेट इम्पोर्टर्स हैं और गाड़ियों में डलता है पेट्रोल तो, और इसके अलावा जो प्राइसिंग मार्च से लेकर जून तक बहुत फ़र्क आ चुका है पेट्रोल और डीजल का, तो इस तरह की जो छोटी ओएमसीज हैं जिनके स्टोरेज कैपेसिटीज़ बहुत कम होती हैं या नहीं होती, उनको जो है वो इन्वेंट्री गेंस के बड़े इम्पैक्ट आ सकते हैं और वॉल्यूम हैंडलिंग के बड़े इम्पैक्ट आ सकते हैं, तो हम तो मजबूत तरीके से ही हाईटेक लुब्रिकेंट को काउंट करेंगे। दोस्तों आपके कोई सवालात हो, आप किसी चीज़ पर पूछना चाहते हो, आप इस व्लॉग के नीचे लिख के आप पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसको कवर करें। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और sastrade.com पे जाके हाईटेक लुब्रिकेंट मारी और IT स्टॉक्स के स्नैपशॉट को देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.